हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। दोस्तों, क्वेश्चन हैज अ पावर, ये बात तो आप मानेंगे, यानी जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आंसर मिलेगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा वो टॉपिक के बारे में आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन की बेसिस पे ही आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ते हैं, कोई भी चीज को समझने की क्षमता बढ़ते हैं। सब कुछ के पीछे है ये ही क्वेश्चन। फॉर दैट रीजन दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बस तीन सवाल रखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वो तीन सवाल का जवाब आप आज मुझे देंगे, क्योंकि वो जो तीन सवाल मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये तीन सवाल ही सुशांत सिंह राजपूत के केस का सबसे मेन और वाइटल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चंस को लेके इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोगों का जो माइंड में जो चल रहा है या फिर आप लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो मुझे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिसके कारण आज की वीडियो में आप कहेंगे मैं सुनूंगा। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि दोस्तों, हमेशा आप लोग मेरे हर एक वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और उस वीडियो के रिलेटेड आपको जितना लगता है उतना एक कमेंट करके आप छोड़ देते हैं। पर इस वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी कमेंट को आप डिटेल में लिखिए, यानी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये क्वेश्चन सुनने के बाद अगर किसी की नाम दिल में आते हैं या फिर कोई लोकेशन, कोई प्लेस, कोई डेट, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है, आप सब कुछ आप आपकी आंसर के अंदर डालिए। और उसके बाद तो मैं तो हूं ही आप लोगों के साथ, सारे के सारे सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए। पर उससे पहले आपका जो सोच है वो मुझे जानना है। तो बस तीन क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि सुशांत सिंह राजपूत को तो मार दिया गया, पर वो रीजन क्या है? यानी सुशांत सिंह राजपूत को तो ऐसे ही नहीं मारा गया, उसके पीछे तो कोई रीजन होगा, तो वो रीजन क्या है, कौन सी वो कारण है जिस कारण की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर टू, दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो ड्रग एंगल जुड़ा था, उस ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों था मेन कैंडिडेट। और ये बात एनसीबी की तरफ से भी कई बार ऐलान करने की कोशिश किया गया, पर क्वेश्चन वो नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई मेन कैंडिडेट है, तो फिर सिद्धार्थ पिछानी को इतनी ज्यादा टाइम के लिए जेल के अंदर क्यों रखा गया था? और आज की आखिरी सवाल, दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ दिशा सालियान की केस को क्यों जोड़ा गया था? वाई, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह ने न्यूज चैनल पे आके ये कही थी कि दिशा सालियान वॉज नॉट इज मैनेजर, रेदर श्रुति मोदी वॉज इज मैनेजर, पर फिर भी कि वो दिशा के केस के साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ दिशा सालियान की केस को आपस में किस लिए जोड़ा गया था? और ये जो तीनों मैंने क्वेश्चन किया, ये ही तीनों क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत की केस का सबसे मेन टॉप थ्री क्वेश्चन। और इसी का ही आंसर एज ए इसे सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक डायहर्ड फैन की वजह से मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, हर कोई जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे, हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आपके हिसाब से कि आपको क्या लग रहा है। प्लीज एक दिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिखिए, क्योंकि मुझे जानना है कि अल्टीमेट आप लोग क्या सोच रहे हैं। उसके बाद मैं तो आऊंगा ही इस क्वेश्चन की आंसर लेके आप लोगों के साथ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।